प्रदेश के कानपुर में भी अग्निपथ योजना के विरोध सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और उन्होंने झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक को बाधित करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कानपुर महानगर से 45 किलोमीटर की दूरी पर अकबरपुर के लालपुर झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों छात्रों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की कि सरकार पुरानी भर्ती प्रक्रिया को वापस लाए, उन्हें पीओडी भर्ती नहीं चाहिए, सरकार जो 4 साल की भर्ती प्रक्रिया लाई है उसे सरकार वापस ले। फरवरी 2021 इधर आके हम लोगों का फिजिकल मेडिकल हो गया फरवरी में, उसके बाद 10 जून 2021 को इनरोलमेंट आनी थी, फाइनल मैरिट पीएसएल आ गई, हम लोग की पोस्टपोन हुई 31 अप्रैल को, उसके बाद इन्होंने बोला 15 दिन में आपकी इनरोलमेंट आएगी, करके 2022 अब तक इनरोलमेंट नहीं है। अब ये जो टीओडी लेके आए हैं, बोला वो जो पिछला जो था इनरोलमेंट मेडिकल फिजिकल सब कैंसिल कर दिया, हमारी वैकेंसी क्या हुआ, हमने तो फिजिकल मेडिकल दिया ना, हमारा तो कराए, आर्मी के बंदे रेस निकाल के बैठे हैं, फिजिकल मेडिकल दे के बैठे हैं, उनका पेपर नहीं करवा रहे, उनका पेपर नहीं करवा रहे। इस योजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तीन चार साल ट्रेनिंग करेंगे, तीन साल एनसीसी कर रहे हैं, 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, घर में बैठ जाएंगे। जगह जितने बच्चे हैं, युवक हैं, सभी को समझा बुझा के, और बहुत समझदार युवक हैं, सब समझ के, अपने से पूरी चीज़ को समझ के खुद सभी जगह छोड़ के जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको अपनी बात को और क्लैरिफाई करना है हम लोग उस बात को और क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो सभी जगह समझा बुझा के ही उनको समझा बुझा के और उनको आगे बढ़ाया जाए। करीब 100-150 छात्र यहाँ लालपुर स्टेशन के पास अपने छात्र संबंधी मांगों को लेकर के, सेना भर्ती से संबंधित मांगों को लेकर के आ गए थे, उनको समझा बुझा करके ट्रैक से हटाया गया है, और उसके बाद वो यहाँ पुनः सड़क पे आ गए थे, उनसे समझा बुझा करके ज्ञापन लेकर के और उनको अपने घर भेज दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmdnewsflash।